उनके बहुत से रस्म रसखान रही, उनके बहुत से पद और भजन सवैया सब हैं, प्रेम से व्याप्त हैं। वो कहते हैं किन देव मस्त भवते जगदीश्वराय, आप जगदीश्वर हो, सारे संसार के मालिक हो, तो आपको देने के योग्य मेरे पास कौन सी वस्तु है जो मैं आपको दूं? आप रत्नाकर स्तव ग्रहम गृहिणी च पद्मा, समुद्र में शेषैया पर आप सो रहे हैं, तो रत्नाकर जो समुद्र है उसमें तो आप सो ही रहे, घर ही आपका है, तो समुद्र रत्नाकर है, रत्नों का खजाना है, एक दो नहीं जाने कितने कितने रत्न समुद्र में भरे भये हैं, और उस समुद्र में तुम्हारा आसन लगा भया, तो कौन सा धन ऐसी वस्तु है जिसको दें तुम खुश हो जाओ? नहीं हो सकते हो, क्योंकि रत्नाकर में तुम्हारा निवास ही है, सो ही रहे वहां, और दूसरे दूसरी वस्तुओं को दें तो गृहिणी च पद्मा, पद्मा माने श्री लक्ष्मी जी, लक्ष्मी जी तुम्हारी घरवाली है, तो जिसकी घरवाली साक्षात लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी को सब देखना करते हैं, लक्ष्मी जी की कृपा से वस्तुएं प्राप्त होती हैं, तो लक्ष्मी तुम्हारी घरवाली है। रत्नाकर स्तव गृहम गृहिणी च पद्मा किं देवमस्ति भवते जगदीश्वराय, ऐसे जगदीश्वर आपके लिए हम क्या दें, आपको देने योग्य कौन वस्तु है? तो कहते हैं हाँ है एक वस्तु ऐसी जो आपके पास नहीं है, कमी आ गई है, तो आभीर वाम नैना हृत मानसाय, ब्रज की गोपियां जो हैं उन्होंने आपके चित्त का हरण कर लिया है, आपने उन गोपियों के चित्त का हरण किया, और गोपियों ने अपने प्रेम हाव भाव कटाक्षों से अपनी कलाओं से गोपियों ने आपके मन को हर लिया है, तो आपका मन आपके पास नहीं रह गया, आपका मन गोपियों में, तो गोपियों ने अपना मन आपका सर्वस्व हरण कर लिया, मन आपका चुरा लिया, तो आपके पास आपका मन नहीं है, इस वस्तु का आपके पास अभाव है। तरस खान कहते हैं कि मैं अपना मन आपको देता हूं, हमारे मन को आप ले लो तो आप मन वाले हो जाओगे, अभाव की पूर्ति हो जाएगी। किंदेव मस्ति भवते जगदीश्वराय आभीर बाम नैना हृत मानसाय, ब्रज गोपियों के द्वारा हरे गए मन के कारण आपका मन आपके पास नहीं है, इसलिए मैं अपना मन देता हूँ। दत्तम त्वया रघुपते कृपया ग्रहण, कृपा करके मेरे मन को ग्रहण करो, मेरे मन को स्वीकार करो, हमारे मन को ले लो, हमारे मन पर हम देना चाहें तो हमारा देना कठिन है, हम दें लेकिन मन ऐसी वस्तु है हम आपको दें और कहो न दे पावे, अलग हो जाए मन, लेकिन आप कब्जा करो, हम देते हैं तो कोई वस्तु किसी को दी जाती है तो उस दी जाने वाली देने वाला अपना सर्वस्व दे देता है, उसका अधिकार खत्म हो जाता है, तो हम मन दे रहे हैं तो मन के ऊपर हमारा अधिकार नहीं रह गया, मन हमारा नहीं रह गया, लेकिन जिसको वस्तु दी जाती है तो उसको चाहिए कि उस पर कब्जा करे, तो आप हम दे रहे हैं लेकिन हमारे देने पर हमारे मन पर आप कब्जा करो, उसको अपनाओ, तब यह आपके पास रहेगा, हमारा मन आपके पास रहेगा। दत्तम मने जो मनो जदुपते कृपया ग्रहण, कृपा करके आप हमारे मन को स्वीकार करो, यह देने योग्य भगवान को तात्पर्य इसका यह हुआ, देने योग्य संसार में मन है भगवान को, संसारी लोग जो हैं प्रेम करते हैं तो कोई भी आपके मन को नहीं चाहेगा, सब लोग आपके द्वारा उपार्जित कमाई गई धन वस्तु सब लोग चाहेंगे, तो जितना कुछ कमाओ, अन्न है, रत्न है, धन है, सब परिवार वालों को दे दो, परिवार वाले इसी के ग्राहक हैं, अन्न धन आदि सब परिवार वालों को दे दो, इसी के ग्राहक हैं, लेकिन मन जो है वह भगवान को, परिवार वालों को मन दे दो, दिन रात किसी परिवारी का चिंतन करो तो वह परिवारी संतुष्ट नहीं होगा, परिवारी तो जब वह धन दोगे तब वह प्रसन्न होगा,
धन देव, अन्न देव, उसकी सुख सुविधा की वस्तुएं परिवार के सदस्यों को दीजिए, तब वे प्रसन्न होंगे। तो केवल मन आप दे दें, परिवार के का चिंतन करें, मन उसमें लगाएं, इससे वह संतुष्ट नहीं होगा। और भगवान अन्य वस्तुओं से संतुष्ट नहीं होंगे, केवल मन से संतुष्ट होंगे। तो मन जो है यह भगवान श्री कृष्ण को अर्पण करने के योग्य है, और शरीर से जो कुछ कमाएं वह परिवार को देने के योग्य है। इस तरह से दोनों का लाभ हो जाएगा। श्री वृंदावन बिहारी लाल राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद 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 राधे 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 गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की, भक्तमाली श्री पंडित जी महाराज की, सब संतन की जय जय श्री राधे। राधे के राधे राधे कल्याण
प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्म दाल्भ्यान रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान
परम भागवता नमः। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुरेक इनके पद बंदन किए नाशन विघ्न अनेक। मंगल आदि विचार रहो वस्तु न और अनूप हरिजन को यश गाम ते हरिजन मंगल रूप। संतन निर्णय कियो मथ श्रुति पुराण इतिहास भजिवे को दोई सुघर कै हरि कै हरिदास। श्री गुरु अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गाय भवसागर के चरण को नाहिन आन उपाय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा रानी की बरसाने वारी की जय। गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, भक्तमाली श्री पंडित जी महाराज की, सब संतन की जय। जय श्री राधे। गत प्रसंग में हम लोगों ने भक्त भक्ति भगवंत गुरु इस दोहे की व्याख्या, इस दोहे का अर्थ जैसा कि श्री प्रियादास जी ने टीका में लिया है उसका स्मरण आरंभ किया। भक्त का, भक्त किसे कहेंगे, तो भक्त का लक्षण श्री प्रियादास जी ने हरि गुरु और दासन सो सांचो, भगवान से, गुरुदेव से, भगवान के भक्तों से सच्चा व्यवहार करने वाला भक्त होता है। तात्पर्य कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि इनसे सच्चा व्यवहार करे और संसार में जैसा दांव लग जाए वैसा व्यवहार करे, लेकिन ये अर्थ ठीक नहीं है। संसारी लोगों के साथ जैसा गांव लग जाए वैसा व्यवहार करे, छल कपट करे, ये अर्थ नहीं इसका। सभी से निष्कपट व्यवहार, क्योंकि उसके लिए तो सभी भगत हैं और सभी भगवान के स्वरूप हैं, तो किसी के साथ छल कपट का व्यवहार उसे नहीं करना है। अपने साथ कोई छल कर ले, कपट कर ले, उसको सहन कर लेना, लेकिन दूसरे के साथ कपट का, छल का व्यवहार नहीं करना, ये भक्त का लक्षण है। दूसरा, गही एक टेक भजन की एक प्रतिज्ञा, फेर उड़ते नटरी है, उस प्रतिज्ञा को स्वीकार करके उसके अनुसार जीवन भर भजन करना, उस प्रतिज्ञा को नहीं छोड़ना। भक्तों की प्रतिज्ञाएं, भजन करने की पद्धतियां सब की अलग अलग हैं। मान लिया, नियम लिया कि चरणामृत जरूर लेंगे, तो उस प्रतिज्ञा का त्याग न करें। और जब कोई अपनी प्रतिज्ञा का त्याग संकट आने पर नहीं करता है और यहां तक कि प्राणों की बाजी लगा देता है, उस समय भगवान की कृपा हो जाती है, भगवान का अनुभव हो जाता है, भगवान का दर्शन हो जाता है। नामदेव प्रतिज्ञा निर्वही जो त्रेता नरहरि दास की, नामदेव जी ने जैसी कुछ टेक प्रतिज्ञा करी उसका निर्वाह हुआ। कैसे हुआ, तो जिस तरह से नरहरि दास माने प्रहलाद जी, प्रहलाद जी की प्रतिज्ञा भगवान का नाम लेने की थी, पिता ने बहुत रोका, लेकिन आपने पिता के कहने से भी भगवान का नाम लेना बंद नहीं किया। इसी तरह से श्री नामदेव जी की अनेक प्रतिज्ञाएं हैं। नामदेव जी ने पहले, श्री नामदेव जी बचपन से ही
बाल दशा वीठल्य पाण जाके पै पियो। अभी नामदेव जी बालक ही थे तो उस बचपन में ही नामदेव के हाथ से भगवान ने दूध पी लिया। नाना जी बाहर जाने लगे, नामदेव को सेवा सौंप गए, बता गए कि दूध भोग लगाना, तुम नहीं पीना भगवान को पिलाए बिना। सरल हृदय नामदेव को यह मालूम नहीं था कि भोग लगाते भगवान को रख दिया जाता है, तुलसी दल छोड़ दिया, पर्दा कर दिया, भगवान ने खा लिया, पी लिया, बस हो गया। ये नामदेव जी को नहीं मालूम था। नामदेव जी सोचते थे कि भोग लाके रखा जाएगा, दूध रखा जाएगा तो दूध भगवान साक्षात पियेंगे। भगवान ने एक दिन दूध नहीं पिया, दूसरे दिन नहीं पिया, तीसरा दिन आ गया, अब नाना जी आने वाले हैं, हमको सेवा से वंचित होना पड़ेगा। नाना जी ने कह दिया था कि यदि तुम ठीक से सेवा करोगे तो तुम ही सेवा किया करना, हम तो बूढ़े हो गए हैं तो सेवा छूट जाएगी भगवान की। तो आज साहस करके दूध को गर्म करके मिश्री मिला करके भगवान के सामने रखा, पर्दा कर दिया, प्रार्थना की कि आप पियो। बहुत प्रार्थना की, जब भगवान ने नहीं माना, भगवान तो एक बाल हठ, बालक ने हठ किया और एक धारदार चाकू ला करके भगवान को दिखाया और नहीं पियोगे तो मैं अपना गला काट करके मर जाऊंगा। गला काटने को तैयार हो गए तो भगवान जट प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया और मैं पीता हूं ऐसा कह करके पीने लग गए। पीने पर रोक दिया, हम भी 3 दिन के भूखे हैं, तो भगवान ने अपना प्रसाद नामदेव जी को पिलाया। नामदेव जी, यह बचपन की लीला है। उसके बाद संत श्री ज्ञानेश्वर जी महाराज, उनकी इच्छा तीर्थ यात्रा की हुई और विचार हुआ कि नामदेव को साथ ले जाएं, तो भगवान के पास गए, बोले महाराज आप नामदेव जी को हमें दे दीजिए, कुछ दिनों के लिए तीर्थ यात्रा में जाना है। तो भगवान नामदेव के ऊपर इतना प्यार करते थे, घबरा गए। नामदेव को बुला करके नामदेव का हाथ अपने हाथ में लेकर के और ज्ञानेश्वर के हाथ में दिया, सौंपा और कहा इस मेरे नामा को जैसे मैं तुमको सौंपता हूं इसी तरह से ला करके हमको वापस करना। बहुत जगह तीर्थ यात्रा करते हुए काशी में गए तो काशी में एक यज्ञ हो रहा था, कि यज्ञ में प्रधान पुरुष का निर्वचन था, चुनाव था, किसको बड़ा पुरुष माना जाए, किसकी पूजा की जाए। तो हाथी को, हथिनी को माला दे दी गई, जिसके गले में डाल दे वही प्रधान पुरुष समझा जाएगा। तो हथिनी ने ज्ञानेश्वर के गले में माला डाली, संत ज्ञानेश्वर, दक्षिण के संत। सब तीर्थों का दर्शन करते करते दिल्ली आ गए। जमुना किनारे विश्राम किया और नियम यह था कि जहां ठहरते थे वहां अखंड कीर्तन होता रहता था, अनेक संत थे, अखंड कीर्तन होने लगा। बादशाह को मालूम पड़ा कई दिन बाद कोई संत लोग आए हैं, तो बादशाह प्रायः करामात देखना चाहते थे, बुलाया, बुला करके लाओ, जो उसमें मालिक महंत है उसको बुला करके लाओ। तो ज्ञानेश्वर जाने को तैयार हुए लेकिन नामदेव ने कहा नहीं आप मत जाओ, मैं जाऊंगा। स्वयं नामदेव बादशाह के यहां आ गए। बादशाह ने कहा तुम लोगों ने कई दिन से आकर के कीर्तन करके लागुल्ला मचा रखा है, सुनते हैं कि तुम लोग बड़े करामाती हो, तो हमको भी कोई करामात, कोई चमत्कार दिखाओ। ज्ञानदेव जी ने कहा, नामदेव जी ने कहा कि होए करामात तोपे काहे को कसब करें, कसब माने धंधा। करामात अगर हम में होती तो हम धंधा क्यों करते, हम तो छीपा जाति के हैं, अपने घर में वस्त्रों को धोते हैं, छापते हैं, बेचते हैं, धंधा करते हैं, और जो कुछ मजदूरी मिल जाती है तो बांट संतन सो पाइए।
उस मजदूरी में अकेले नहीं खा लेते हैं, जो कुछ मिलता है भगवान का भोग लगा करके सब संतों को वितरण करके खाते हैं, जो गुरु महाराज ने हमको सिखा रखा है, बांट करके खाना, वैकुंठ को जाना। कोई वस्तु अकेले नहीं खा लेना चाहिए, वितरण करके खाना चाहिए। इसीलिए लोग हमको साधु कहते हैं, इसीलिए आपने बुलाया है, और दूसरी करामात नहीं है। करामात होती तो हम शरीर से परिश्रम क्यों करते। करामाती लोग अपने बैठे रहते हैं, अपनी करामात के बल पर खाते पीते पुजाते रहते हैं, तो कोई करामात मुझ में नहीं है। लेकिन बादशाह ने एक करामात देखने के लिए जब नहीं दिखाया तो कहा कि अच्छा तो एक मरी हुई गाय बछिया उसको ला करके सामने डाल दिया, तो कहा इस गाय को तुम जीवित करो, जीवित करोगे तो तुमको संत माना जाएगा, तुम्हारा हम आदर करेंगे, और गाय को जिंदा नहीं करोगे तो तुमको कारागार में बंद कर दिया जाएगा, बेकार लोगों को ठगते हो। तो नामदेव जी करामात तो नहीं दिखाना चाहते थे, किंतु अब यह गाय है, गाय को जीवित करने का आग्रह है, तो गाय को जीवित करने के लिए नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की। विनती सुन जगदीश हमारी, हे जगदीश हमारी विनय सुनो, और कहा कि यह गाय जो है वह इसके अंग सभी ठीक ठीक दिखाई पड़ते हैं, आछे सकल अंग हैं, आके इत करो कान मुरारी, हमारी ओर कान करके हमारी बात सुन करके, तो गाय ही क्यों न जीवाओ, गाय को जीवित क्यों नहीं आप कर देते हो, और गाय को जीवित करके मेरे यश ही बढ़ाओ। आप गाय को जीवित करोगे तो लोग कहेंगे कि नामदेव ने जीवित कर दिया, इसमें मेरा यश बढ़ेगा और भक्त का यश बढ़ाना आपका काम है। कदाचित ये कहिए कि इसका जीवन इतना ही था, अब इसके जीवन में समय नहीं रह गया, जीवन मरने का आ गया और मर गई, प्रत्येक जीव का ऐसा ही होता है। तो जो कहूं या के कर्मन में नहीं जीवन लिखो विधाता, तो नामदेव की आयुर्दा से हो तुम्हें प्रभुदाता। तो मेरी आयु से एक भाग लेकर के हमारी आयु में घट जाए, चाहे मैं मर जाऊं, लेकिन यह गाय जीवित हो जाए। इस तरह से नामदेव जी ने भगवान से प्रार्थना की, तो गाय उठ करके खड़ी हो गई, जीवित हो गई। बादशाह देकर चकित रह गया, सिंहासन से अपने उतर करके चरणों में प्रणाम किया, और बहुत कुछ देने के लिए, कुछ ले लो, माफी ले लो, जमीन ले लो, घर मकान धन सब कुछ देने के लिए तैयार हुआ। नामदेव जी ने कहा कि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम कुछ नहीं लेंगे। कबीर को देने के लिए तैयार हुआ तो कबीर ने कहा कि भरे कोट रोग हैं, जिस धन को तुम हमको देना चाहते हो इस धन में एक दो नहीं, बड़े बड़े रोग भरे भये हैं, धन आने पर और बड़ा संकट पैदा हो जाता है। भागवत में अर्थ, जिस अर्थ, अर्थ माने धन, तो 15 दोष गिनाए गए हैं भागवत में, और कहा गया है कि अर्थ मनर्थम भावे नित्यम नास्ति ततः सुखलेशः सत्यम। इसलिए जिस अर्थ में 15 ये दोष हैं, लोभ है, अविश्वास है, धनी मानी को अविश्वास रहता है कि कोई चोर न हो, मेरी चोरी न कर ले, तो अविश्वास, स्पर्धा, व्यसन, ये सब तमाम दोष हैं। धन आने पर मनुष्य व्यसनी हो जाता है। तो ये जितने अर्थ हैं, अनर्थ हैं, वो अर्थ में भरे हैं, तो इसलिए इसको अर्थ न कह करके इस अर्थ को अनर्थ कहना चाहिए। तस्मादर्थ मनर्थाख्यम श्रेयोर्थी दूरतस्तरे। नामदेव जी ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अंत में बादशाह के यहां एक शैया थी, पलंग था एक, तो उसने उस पलंग को ला करके दिया और कहा कि अपने लिए आप नहीं लीजिए, अपने ठाकुर के लिए ले जाइए, आप अपने ठाकुर को इस पलंग के ऊपर शयन कराना। अब ठाकुर के नाम पर दिया तो स्वीकार कर लिया, अच्छा ठीक है, और उस पलंग को अपने सिर पर रख करके चलने लग गए। अरे नहीं, नौकर लोग जाएंगे दे आएंगे, नहीं नहीं, हमारे ठाकुर का पलंग है तो हम अपने ठाकुर के पलंग को ले जाएंगे, भगवान की सेवा अपने आप हमको करनी है।
पलंग लेकर के गए और आपने सोचा कि पलंग यह ठाकुर जी के लिए है, तो ठाकुर जी के लिए है तो ठकुरानी को सुपुर्द कर दो, तो ठकुरानी अपने ठाकुर को इस पर शयन कराएंगी। ऐसा कहकर के कालिंदी पटरानी श्री जमुना जी महारानी उस पलंग को जमुना जी में आपने डाल दिया, अर्पण कर दिया और अपने आश्रम में आ गए। बादशाह को मालूम पड़ा कि पलंग तो जमुना में डाल दिया गया, तो उसको बड़ा दुख हुआ और कहा कि जाकर के बुला करके फिर ले आओ। फिर नामदेव जी को बुलाया गया, कहा गया महाराज आपको मैंने कलम पलंग दे जरूर दिया, लेकिन उस प्रकार का पलंग हमारे यहाँ एक ही था और उसी तरह का हम दूसरा बनवाना चाहते हैं, इसलिए एक बार आप दिखा दो, उसका नक्शा ले लिया जाए और उसी तरह का हम दूसरा बनवा लेंगे, हमने तो आपको दे ही दिया है।